लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP की राष्ट्रीय महासचिव याक्वल्किया शुक्ला ने 2 अक्टूबर 2023 को शिलोंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मजबूत समर्थन दिया। पत्रकारों से बात करते हुए शुक्ला ने नीति की महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित किया जो भारत में शिक्षा क्षेत्र पर पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए तैयार है। उन्होंने स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर नीति की जोर पर प्रकाश डाला, एक ऐसे कदम जिससे भाषाई अंतर को पाटने और छात्रों के बीच विश्वासों की गहरी समझ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आलोचकों द्वारा उठाए गए संभावित चिंताओं के जवाब में शुक्ला ने एक सवाल उठाया, यदि छात्रों को अपनी स्थानीय भाषाओं में अध्ययन करने का अवसर मिलता है तो समस्या कहाँ है। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान छात्रों को सशक्त बनाएगा, शिक्षा को सभी के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बनाएगा। शुक्ला ने सभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा छात्र समुदायों के लिए लाए गए सकारात्मक योगदान पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नीति न केवल शिक्षा में लचीलापन लाती है बल्कि छात्रों को तेजी से विकसित हो रही दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से भी लैस करती है। एनईपी का विरोध करने से पहले एनईपी को समझना पड़ेगा। एनईपी भारतीय भाषाओं के अंदर में शिक्षा की बात करता है, फ्लेक्सिबल एजुकेशन के बारे में बात हो रही है एनईपी के अंदर में, और एनईपी भविष्य की तैयारियों के लिए स्टूडेंट का तैयारी निर्माण करने के लिए एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में मुझे लगता है मेघालय सरकार को और मेघालय के टीचर कम्युनिटी को ठीक से ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। उनका ठीक से यदि इस मामले में एडुकेट हम करेंगे तो एनईपी का मुझे लगता है कि मेघालय के अंदर में विरोध कहीं से भी वाजिब नहीं होगा। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।